दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा BCA वर्सेस ICAP के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मैं रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराया है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में सबसे पहले पाटिल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। पाटिल इस मैच में आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अभी तक रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 70+ इन्होंने रन करे, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। वहीं शंकर के बारे में बात करें दोस्तों, नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 3 रन ही इन्होंने अभी तक करे हैं। ए कुमार के बारे में बात करें दोस्तों, अरुण कुमार नंबर 4 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 85+ इन्होंने रन करे, इनको रख सकते हो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। फिलहाल तो मैं एस पाटिल को रखूंगा, अरुण कुमार को तब रखेंगे जब इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी। बैटिंग के बारे में बात करें, विलक्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर देखो काफ़ी नीचे रहता है। जो मेन ऑप्शन होने वाले जिनको रख सकते हो, एक विश्वनाथन होने वाले, ओपन करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें दोस्तों, 100+ इन्होंने रन करे, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, इनको आप लेके चल सकते हो। इनके अलावा जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो, जो एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पे होने वाले दोस्तों, कोई खास ज़्यादा है नहीं। पशु पुलेती को जरूर आप लेके चल सकते हो, ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस कई बार बॉलिंग करवा लेते हैं। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, ऑलमोस्ट इन्होंने 65+ रन करे, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। बाकी इनके अलावा हम बात करें, कोई खास यहाँ से ऑप्शन नहीं है जिनको आप रख सकते हो, 2 एक अच्छे ऑप्शन है बैटिंग में जिनको आप लेके चल सकते हो। ऑलराउंडर में मुस्तफ़ा एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप अपनी इस टीम में लेके चल सकते हो। देखो बैटिंग ऑर्डर तो काफ़ी नीचे रहता है, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें, 6 विकेट इन्होंने ऑलरेडी निकाल लिए। फिलहाल हम लेके चलते हैं चिंता नीपू के बारे में बात करें, एक और अच्छे ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नंबर 3 बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे। अभी तक रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूं, ऑलमोस्ट 190+ इन्होंने रन करे और साथ ही साथ में बॉलिंग से भी दोस्तों 5 विकेट इन्होंने निकाले, इनको आप जरूर अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इनके अलावा अगर हम बात करें, आर वनकुरी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। नंबर 3 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे प्लस बॉलिंग करवाते हैं। रीसेंट 4 मैचेस के बारे में बात करूँ इनकी परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, तकरीबन 30+ रन इन्होंने करे और साथ ही साथ में 3 विकेट निकाले, एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, सिलेक्शन कम है, ट्रम्प प्लेयर भी आप बोल सकते हो, इनको आप लेके चल सकते हो। ग्रोवर आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, एक और अच्छे ऑप्शन। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें, 100+ इन्होंने रन करे दोस्तों और साथ ही साथ में बॉलिंग इनकी ज़्यादा अच्छी रहती है, बॉलिंग से 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं, इनको भी आप लेके चल सकते हो। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, वी पाटिल के बारे में, तो बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी है। रीसेंट 5 मैचेस के बारे में बात करें, 10 विकेट इन्होंने निकाले, सिलेक्शन थोड़ा सा कम लग रहा है, बट आप इनको लेके जरूर चलिएगा। इनके अलावा कोई खास ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर में 5 हमारे यहाँ से जो है ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में बात करें, के शेट्टी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जिनको आप लेके चल सकते हो अगर आप चाहो तो, बट इनके ओवर वगैरह का कोई अता पता नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं, थोड़े से रिस्की है। यहाँ से अगर किसी और के बारे में बात करें, ए आदिल का आपके पास ऑप्शन है, इनको आप रख सकते हो। रीसेंट 5 मैचेस में हालांकि 3 विकेट इन्होंने निकाले। बालागम एक और अच्छे ऑप्शन, विकेट टेकर बॉलर आपके लिए बन सकते हैं। रीसेंट 5 मैचेस के बारे में बात करें, अभी तक 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वी कॉमू का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बट इनके ओवर वगैरह कर सकते हैं तो थोड़ा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। लास्ट 5 में से 3 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 4 विकेट निकाले, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करिएगा। श्रीन केतन एक और आपके पास ऑप्शन होने वाले। रीसेंट 5 मैचेस के बारे में बात करूं, 2 विकेट निकाले, बट आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर किसी और के बारे में बात करें, कोई खास ऑप्शन नहीं है। रांगा को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, डेथ में बॉलिंग करवाते हैं। फिलहाल मैं जिनको लेके चलूंगा बालागम हो जाते हैं दोस्तों, आदिल को आप रख सकते हो और यहाँ से जो है श्रीन केतन।
कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन यहाँ से जो मेरे रहने वाले चिंतन हिपू होंगे और वाइस कैप्टन ग्रोवर रहेंगे, आप चाहो तो रोटेट इनको कर सकते हो। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप MyFab11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो MyFab11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो बस MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और MyFab11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव जरूर रहिएगा।